सो है बड़ी वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज गेम प्ले भी है, वीडियो भी है और एक अपडेट भी है। तो T3 का एक न्यू अपडेट आया जिसमें यार क्या ही मतलब दो न्यू कैरेक्टर आया यार, तुम तो देख के खुश हो जाओगे। और ये स्किन देखो ग्लोरिया की यार, क्या ही मस्त स्किन है। तो ये लकी ड्रॉ आया है यार, थोड़ा पैसा तो खर्च करना पड़ेगा, अगर स्किन अच्छी लग रही है तो ले लो। बाकी मुझे तो काफ़ी पसंद आई, मैं तो यार लेने से ना रहा क्योंकि भाई जेम्स वगैरह है नहीं, दो बार स्पिन करे थे दोनों में फालतू चीज़ें मिली। फिलहाल ये एक हंटर न्यू कैरेक्टर आया, चलो इसको ट्राई करते हैं यार, क्या ही कैरेक्टर होगा, बढ़िया लग रहा है, वैसे ओपी लग रहा है, देख रहा है शेल का भाई लग रहा है, जो हमारे पास शेल कैरेक्टर है उसके भी पीछे एक पर्दा लटकता है ऐसे ही। चलो इसको ट्राई करते हैं जल्दी से। एंड हमारा मैच यहाँ पे स्टार्ट, मतलब ये प्रैक्टिस मैच में मतलब प्ले कर सकता हूँ मैं, ऐसे मैच में तो लेके नहीं जा सकता, टीम डेथ मैच वगैरह में खेल नहीं सकता इसको। यहाँ पे इसका बेसिक अटैक देखो ना, तीन बार मैंने सिर्फ मतलब इसका जो वेपन है बस्ट मोड में चलता है एंड तीन बार लगने पे एनिमी खत्म है। तो अब हेड का डैमेज देख लेते हैं, हाँ हेड का डैमेज बहुत अच्छा है दोस्तों, तीन बारी में ख़त्म। एंड बॉडी शॉट भी अच्छा ही है, मिस हो गया तो दिक्कत है। एंड अब देखते हैं हेड का डैमेज कितना पड़ता है, तीन बारी में गया आपकी बारी, मुझे लग रहा है तीन बारी में ही गया है। वैसे तो ये नए अपडेट में थोड़ा ग्लिच है, एनिमी को जो है गोली तुम्हारी रजिस्टर नहीं होगी, मीन कनेक्ट नहीं होगी, कनेक्ट होगी डैमेज नहीं मिलेगा, कुछ ऐसा हिसाब है, थोड़ा गिलीच उलीच है। आई होप ये फिक्स हो जाएगा थोड़ी दिनों में। एंड अपडेट ये है कि अब तुम जेम्स भी परचेस कर सकते हो, पहले टी जेम्स हम परचेस नहीं कर सकते थे इसमें। और इसकी एबिलिटी ये है, जो हंटर है हमारा कैरेक्टर, इसकी एबिलिटी है अगर हम ये जो अभी ये जो ये आँख बनी हुई आ रही है बगल में किसी को फेंकेंगे तो इससे क्या होगा, उसकी विजिबिलिटी हमें दिखेगी और हमारी स्पीड बढ़ी आएगी, हमारी मोबिलिटी इसमें बढ़ी आएगी। देखो जैसे मैंने उसमें कहा, और मेरी मोबिलिटी देखो कितनी बढ़ गई, मेरे पीछे एक ब्लू लाइन आ रही होगी, मीन जैसे वाइंड आती है ना वो निकल रही होगी। अब मारते अब यूनाइट मूव भी यूज़ कर लेता मैं, हमारा यूनाइट मूव भी काफ़ी, यहाँ पे स्पीड बढ़ रही है मेरी मोबिलिटी के, यूनाइट मूव कर पाऊँ, यूनाइट खेल खेल के आदत बढ़ गई है। जैसे स्पेशल अटैक देख सकते हैं, यहाँ पे तीन बार हम स्पेशल अटैक यूज़ कर सकते हैं। एंड थोड़ा रॉकेट टाइप का, मुझे कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया यार इसमें, इसका स्पेशल अटैक मुझे कुछ सब खास नहीं लगा, शायद इसके हेड पर मारे तो ज़्यादा डैमेज देगा, मैंने हेड पर मारा नहीं। जब ये आ जाएगा मतलब मेरे पास, वैसे तो अभी फ्री मिल रहा है, बस आपको तीन दिन लगातार लॉगिन करना मिल जाएगा। और ये हमारा दूसरा कैरेक्टर है जूड एक्स बोले या समझ नहीं आ रहा, लेकिन मिथिक है यार। इसके पास शॉर्ट गन है, इसके मैं बेसिक अटैक का सब कुछ बता दूँ कि शॉर्ट गन है, चार राउंड्स होते हैं, मतलब चार एमओज होती है इसमें। एंड इसको तुम रिलोड करते करते मार सकते हो, जैसे BGMI में पम्प शॉर्ट गन है वो होती है, वैसे इसके ही है, इसमें तुम रिलोड करके मार सकते हो। इसमें हेड का डैमेज वो काउंट कर लेते हैं भाई, दो हेड लगे, पहला वाला मिस हुआ था, एक मिस हुआ था, उसको काउंट मत करना, गौर से देखना, दो हेड मिस। और लॉन्ग रेंज शॉट गन है भाई, मज़ा आ जाए भाई, ये कैरेक्टर चाहिए, बहुत ज़्यादा ओपी लगा। एंड इसकी एबिलिटी की भी बात कर लेते हैं, एबिलिटी इसकी देख लेते क्या है, इसकी एबिलिटी ये है किसी को भी अंधा कर सकती है, और अंधा करने के बाद उसको तो मतलब मार ही देगी, तो मतलब दोनों कैरेक्टर। इसके स्पेशल अटैक देखो, मतलब ये जहाँ पर भी अपने स्पेशल अटैक यूज़ करेगी वहाँ पर फायर हो जाएगा। देखिए अभी दोबारा आएगा तो मैं इसे फायर नहीं कर रहा हूँ, देखना डैमेज, इसको डैमेज मिल रहा है, आप देख सकते हो, ये इसका स्पेशल अटैक है। तो मैंने दोनों के बारे में बता दिया। और एक नया मोड है जिसका नाम है पेलोड ईस्कोट, ये जैसे हमने पेलोड रेस खेला हो तो उसमें क्या होता है, हमें अपनी अपनी कारों को उसके डेस्टिनेशन तक ले जाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जो सामने वाली टीम में इस बंदे ने हंटर लिया है, नया वाला कैरेक्टर, चलो देखते हैं। मैं यहाँ पे सिंदरी लेना चाह रहा था पर पता नहीं मुझे ग्लोरिया क्यों सेलेक्ट हो गया यार, मुझे सिंदरी में स्पैम भी मार रहा हूँ लेकिन मुझे सिंदरी, ये ग्लोरिया एक सेलेक्ट हो, सिंदरी को ही और ले लेगा हमारी टीम में, ये सही है। चलो अब ये नया वाला मोड है तो इसमें क्या है, देखो ऊपर टाइमर चलता है। एंड जो सामने रेड कलर का आपको दिख रहा होगा मैप में कह रहा हूँ, मतलब ये स्क्रीन पे वो गाड़ी है, मतलब पेलोड बोल सकते हो उसको, वैसे तो इसमें पेलोड ही बोलते हैं हमें, जो उसको उसके डेस्टिनेशन से पहुँचने तक रोकना, एक टाइमर चलेगा, ठीक है। और अभी लोग वो लोग आने वाले हैं सामने वाले गेट से, जब वो खुल जाएगा, वो खुल जाएगा मतलब अंदर एक और गेट है वो खुलता है, तब वो लोग आते हैं, हमें उन लोग को रोकना है, मतलब देश हमें उनको मानना भी है और इस गाड़ी को उस डेस्टिनेशन तक जाने से रोकना भी है, ठीक है। तो हमारा ये है मोटिव, ऐसे हम रेड टीम है और वो ब्लू टीम है, तो हमें इनको रोकना है। यहाँ पे मैंने एक बंदे को मार दिया है। और आपको बता दें दोनों जो न्यू कैरेक्टर तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन सा बेचना कमेंट करके बता, मुझे जूटेक्स ज़्यादा बढ़िया लगे यार, ये सही है, मतलब एक की रोशनी बढ़ी आती है और एक आँखें छीन लेता है, मतलब दोनों की एबिलिटी बहुत ज़्यादा सिमिलर है लेकिन अपोजिंग है, अपोजिट है बहुत ज़्यादा। एंड हाँ बात तो एक ही है, दोनों आँख के ऊपर काम करते हैं, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। तो मैंने यहाँ पे चार केवल स्ट्रीक बना चुका हूँ और यहाँ पे देखना मैं मर चुका था, तो देखो इनकी गाड़ी कहाँ तक पहुँच चुकी है, 25% कर चुकी है। और गाइस ये वाला शॉट देखना ज़रा तुम यार, इस पे गाड़ी पे कूदने के बाद जो इसको हंटर पे शॉट पड़ेगा ना, वो ये कैसा लगा ये शॉट मुझे ज़रा बताना यार तुम सब,
यहाँ पे ग्लोरी आ गई थी, इसको भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया। मैं इस गाड़ी को थोड़ा पीछे कर, तो हम इस गाड़ी को रिवर्स भी कर सकते हैं जिससे जो उनका टाइम वेस्ट और हो। तो एक मिनट बच रहा है। देखो ऊपर ना एक लाइन आ रही होगी, अगर इन्होंने ये गाड़ी अगर इस रेड लाइन इस रेड पॉइंट तक बढ़ा दी तो इनको मे बी 2.5 मिनट और मिल जाएगा इस गेम को बढ़ाने के लिए। तो मोड तो वैसे खेलने में काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, लेकिन सही बताऊँ तो बेनिफिट नहीं है इस मोड का। तो मैं यहाँ पे मर चुका हूँ, ग्लोरिया ने क्या ही डैमेज दिया। इस मोड के बारे में मैं तुम्हें बता दूंगा लास्ट जब मैच पूरा होगा, तो मैं बता रहा हूँ इस मोड की बुरी बात क्या है, मैं ये भी तुम्हें बताता हूँ। रुको, पहले इस सिंदरी को मार देते हैं, हमें बहुत देर से चल रही है, निकल यहाँ सब, तो बहुत देर हो गई तेरे को। अब यहाँ पे इस गाड़ी को थोड़ा पीछे करता हूँ मैं, आगे से हंटर भी आ चुका है। ए ये साइड भाई, मतलब देख रहे हो, सही है भाई, ये कहीं से भी आ जाती है ना ग्लोरिया, बड़ा बुरा लगता है भाई। ग्लोरिया का डैमेज जो पड़ता है ना भाई, जब एक एम पे आ जाओगे बहुत ज़्यादा गंदा डैमेज। तो इसको मारने की कोशिश करते हैं, हंटर को यहाँ पे खा देंगे, हंटर को भी पेल दिया हमने। यहाँ पे ये सिंदरी आ गई है, सिंदरी को भी पेल देंगे। रुको भाई, मेरे पे तो बम बम फेंकने की कोशिश हो रहे हैं, नेट वेट डालोगे तुम लोग हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो उनकी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुकी है, और मैंने जैसे कहा था टाइमर बढ़ चुकी, क्योंकि उन्होंने आधा पॉइंट बढ़ा दिया, मैंने स्किप कर दिया था वो पॉइंट, वो बार बार मर रहा था यार, थोड़ा तो बहाना चाहिए ना। फिलहाल मैं इसको अब पीछे करते हैं। तो लो भाई, मतलब ये हंटर का डैमेज देख रहा, मतलब मैं जस्ट आगे खड़ा हूँ वहाँ पे, इस बंदे का जस्ट डैमेज लगना स्टार्ट हुआ और मैं गया। यहाँ पे सिंदरी आ रही थी, इसको थोड़ा टपका दिया हमने आते ही। एंड चलो आगे बढ़ते हैं, आप थोड़ा हील कर लेता हूँ। एंड वो जो हंटर है यार, उस बंदे को थोड़ा देखना पड़ेगा, उस बंदे को मारना पड़ेगा वरना काम नहीं होगा। ये देखिए हंटर, ये मर गया, मेरे टीम ने मार दिया, मैं तो बहुत डैमेज देता रह गया। अब इस गाड़ी को पीछे ले चलते हैं। चल भाई नखरे मत कर, गाड़ी पीछे हो, बड़ी बेशरम गाड़ी है, उनकी टीम के साथ है, हमारी टीम के साथ नहीं है तू। गाड़ी फिलहाल पेलोड जैसा ही है, बस इसमें ये हमारा मोटिव है गाड़ी रोकना, उनका मोटिव है उन गाड़ी को डेस्टिनेशन तक पहुँचाना, बस और कुछ नहीं। यहाँ पे सिंदरी आ चुकी है, यहाँ पे सिंदरी को भी मार दिया, हंटर को भी मार दिया। अब तीसरा कौन है भाई, तीसरा भी आओ है, तीसरा कहाँ है? अभी तीसरे छुप छुप के आता है ना, ये बड़ा बुरा लगता है यार मेरे को। अभी आया कहीं से निकल निकल के, पहले इस गाड़ी को थोड़ा पीछे कर देते हैं। अब देखो तीसरा आ गया, लेकिन छुप छुप के नहीं आया, सामने से आया, पता नहीं कौन सा नशा फूका है इसमें। एंड 2-1-0, अब यहाँ पर टाइमर भी पूरा हो चुका है। तो मे बी अभी जो वाइट वाली लाइन आप नीचे देख रहे हो, जैपनीज में लिखते आ रहा है, बस हमें इनको ख़त्म करना है, बस इसकी टीम हमको हम ख़त्म करते हैं तो हम यहाँ पे विन हो जाएंगे। और उनके पास अभी मौका है कि वो लोग गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं, बस हमें उन तीनों को मारना है, तो हमें मारते हैं यहाँ पे, जल्दी जल्दी मार देंगे। यहाँ पे एक पेला आया, पेला ख़त्म, दूसरे देखो ग्लोरिया देखो कहाँ पे छिपी बैठे, तू इधर आ, तूने बहुत मारा मेरे को, दो बंदे मार चुके, तीसरा तीसरा भी मर चुका है। तो गाइस हम यहाँ पे टोटल इविन हो चुके हैं। अब मैं इसकी बेकार बात बता देता हूँ, इस मोड की बेकार बात क्या है। तो इस मोड को खेलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब एक मैच में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ऊपर से 4 ट्रॉफी यार, मतलब फेयर ही नहीं है। चलो गाइस वीडियो के लिए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।